आज का हमारा टॉपिक है कूलिंग पावर ऑफ एयर। ठीक है, हवा की ठंडा होने की क्षमता। तो कूलिंग पावर ऑफ एयर जो होता है, ये इन्वायरमेंट हेल्थ का, इन्वायरमेंट हेल्थ का चैप्टर है। हेल्थ मतलब एयर से, एयर का। तो कूलिंग पावर ऑफ एयर होता क्या है? हवा की ठंडा होने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? कूलिंग पावर ऑफ एयर। तो कूलिंग पावर ऑफ एयर तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पे? उसको हम कैसे याद करेंगे? हार्ट से, HAT, हार्ट। ठीक है, कूलिंग पावर ऑफ एयर हार्ट पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे, एयर मूवमेंट पे और टेम्परेचर पे। तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और टेम्परेचर। ये तीनों एक साथ होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कूलिंग पावर ऑफ एयर। इस पे डिपेंड करता है। कूलिंग पावर ऑफ एयर कैसे मेजर किया जाता है? कार्टर थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। कूलिंग पावर ऑफ एयर इज मेजर बाई कार्टर थर्मामीटर। कार्टर थर्मामीटर से मेजर करते हैं, एक्सेस करते हैं, मेजर करते हैं कूलिंग पावर ऑफ एयर को कार्टर थर्मामीटर से। अल्कोहल थर्मामीटर होता है, एक अल्कोहलिक थर्मामीटर होता है, अल्कोहल थर्मामीटर, कार्टर थर्मामीटर, और रेट ऑफ हीट लॉस को कैलकुलेट करता है। कार्टर थर्मामीटर क्या करता है? रेट ऑफ हीट लॉस को कैलकुलेट करता है और इसको हम मेजर करते हैं कूलिंग पावर ऑफ एयर को। रेट ऑफ हीट लॉस को ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है। कूलिंग पावर ऑफ एयर होता क्या है? तो ये हवा की ठंडा होने की क्षमता होती है। किस पे डिपेंड करती है? तो ह्यूमिडिटी पे, हार्ट पे, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कार्टर थर्मामीटर जो होता है करेंटली यूज किया जाता है ओनली लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, कार्टर थर्मामीटर करेंटली लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर के जगह पे। तो लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए पहले जो था एनीमोमीटर यूज किया जाता था, लेकिन अभी जो है कार्टर थर्मामीटर यूज किया जाता है लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।